नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। अगर आप भी अक्सर कार से सफर करते हैं और कुछ हाईवे पर तय की गई स्पीड लिमिट आपको कम लगती है तो ये खबर आपके लिए ही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाई जाने वाली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अच्छे हाईवे बनने और उन पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए अब वाहनों के टायर भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार बनाने का प्रयास करना होगा। टायर फटने की घटनाओं को कम करने के लिए सरकार टायर निर्माताओं से बातचीत कर नए नियम तैयार करेगी। गडकरी ने कहा कि मैंने टायर मैन्युफैक्चरर्स की बैठक बुलाई थी और उन्होंने मुझसे कुछ समय मांगा था। हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से टायर की जरूरत है, उसी के आधार पर नए नियम तैयार किए जाएंगे ताकि टायर फटने से किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। अब ऐसे 32 हाईवे बन रहे हैं जिससे वाहनों की गति बढ़ेगी, ऐसे में स्वाभाविक रूप से हमें टायर की गुणवत्ता को भी देखना होगा। गडकरी ने अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे की प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि 6 लेन के आर्थिक गलियारों का राजस्थान में काम अक्टूबर 2023 तक हो जाएगा। राजस्थान में 15,000 करोड़ की लागत से 637 किलोमीटर 6 लेन का आर्थिक गलियारे में 93% यानी कि 550 किलोमीटर बन गया है। हम जल्द ही पीएम मोदी से अनुरोध करेंगे और राजस्थान के हिस्से के उद्घाटन के लिए उन्हें आमंत्रित करेंगे। इससे पहले गडकरी ने हनुमानगढ़ में 2050 करोड़ रुपए की लागत से 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और सेतु बंधन योजना के तहत 7 रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण और शिलान्यास किया। खबर में बस इतना ही। नमस्कार।